रहमान बिल्डर की फाइल देख के आपके पास आती हूँ, सही है? मेहरू, तुमने उसे सॉरी का मैसेज किया था? नहीं। इतनी ज्यादती करने के बाद भी तुम्हें कैसे सुकून आ गया है? हद है वैसे, मुझे अच्छा नहीं लगता और उसकी जरूरत भी नहीं है। यार मेहरू, वो बगैर जरूरत तुम लोग कितने काम आए और तुम उसे एक छोटा सा सॉरी का मैसेज करने के लिए भी सोचोगी अब? शिफा, मैंने अब ये तो नहीं कहा। और क्या कहा, कौन करता है आजकल के दौर में किसी के लिए सब कुछ? सगे खूनी रिश्ते तक साथ छोड़ देते हैं। तुम मुझे बताओ, अंकल की डेथ के बाद किसी ने पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो? मैंने इनकार कब किया? तो एहसास भी तो नहीं है, अगर होता तो तुम उसे अब तक मैसेज कर चुकी होती ना। शिफा, मुझे बहुत काम है अभी, जा। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये सब। हाँ, नहीं होगा मुझसे। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या कर रही हो तुम? शिफा, सॉरी। रुको ना यार, यार रुक जाओ। मुझसे कोई बात नहीं करनी। यार इतनी सी बात पे क्यों मुंह फुला रही हो? इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी, इतनी सी बात मेरे लिए नहीं है। तुम्हें क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, किस किस्म की लड़की हूं मैं? सॉरी के साथ ही कॉफी ऑफर कर दी। कुछ नहीं सोचेगा वो, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब तुम तो यही बोलोगी? हाँ बोलूंगी, क्योंकि ये वाकई कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि शाहजहां बुरा माने। और ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो तुमको, तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वैसे भी जितना तुम उसे सुना चुकी हो ना, वो एक मैसेज पे आने वाला नहीं है। और अगर वो आ गया तो चल ही जाना, एक कॉफी तो पीनी है। तो मॉर्निंग में पिटाई लगाऊंगी, आओ मेरे साथ। अब बड़ी आई मेरी बहू बनने, शक्ल देखी अपनी, मैं थूको मिला तेरी शक्ल पे। निकल यहां से, निकल, निकल। मां, मां ये क्या कर रही हो? मां छोड़ो इसको, निकाल। मां क्या कर रही है? तेरी जुरत कैसे हुई इसे लाने की? निकाल। मां क्यों निकालूं, बीवी है मेरी, शादी की है मैंने, पसंद करता हूं इसको। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। हां हां, ये कहा था ना तूने मुझे? मां तमाशा मत करो, मत करो तमाशा, जाओ जाकर पानी पियो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बात का पतंगड़ मत बनाओ, ये देखो मेरे हाथ। जाओ तुम कमरे में, जाओ। कौन से कमरे में जाओ? उसको निकालो, इसको छोड़ दो। ये जो भागने वाली लड़कियां होती है ना, यार तेरे साथ भागी है, कल किसी और के साथ भागेगी। मां खुदा का वास्ता, चुप कर जाओ, कहीं तो मेरी इज्जत रहने दिया करो, लिहाज कर लो कुछ। पूछ इसे, इसकी मांग भागी थी ना अपने यार के साथ शादी के बाद। ये देखो मेरे हाथ, ये देखो, कैसे करती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? खुद से घिन नहीं आती तुम्हें? थकती नहीं हो क्या? क्यों डरा के रखने में मजा आता है तुम्हें? बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ झगड़ा करते देखा है मैंने। तुम्हारे और बाबा के झगड़ों की आवाजें ना आज तक गूंजती है मेरे कानों में। क्यों चलाना होता है किसी को अपने मुताबिक, बताओ क्यों चलाना होता है? मैं बता रहा हूँ, बदल लो खुद को, कोई आसपास नहीं रहेगा, अकेली रह जाओगी, बहुत पछताओगी। मैं पछताऊंगी। मैंने तुझे बताया था ना कि मैं औरत हूं बड़ी टेढ़ी किस्म की, जो सोच लिया सो सोच लिया। चल चल चल, तलाक दे इसे। वकास, मैं कह रही हूं तलाक दे इसे अभी, इसी वक्त तलाक दे इसे। नहीं दूंगा। दवा हो जा तू भी यहां से, निकल यहां से, रह लूंगी मैं अकेली, इतनी मजबूत हूं मैं, रह लूंगी अकेली, दवा हो जाओ यहां से। सो जाओ मेरी नजरों के सामने से बकास।
ठीक। जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, पर एक बात कह के जाऊंगा, तुम माँ कभी थी ही नहीं, तुम तो शायद कभी औरत भी नहीं थी, बस एक हुक्मरान थी, हो और रहोगी। चलो